मैं हूं जुल्फी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड ऑल्सो द फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस भास्कर राव जी हमारे साथ है। आईएन से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार और सलाम। सर, वेलकम टू आवर चैनल। सर, आपको जैसे कि आपको पता है कि साइबर क्राइम्स किस तरीके से बहुत ही डीमेरिट्स लेके आ रहे हैं एंड ऑल्सो वी हैव बीन नोटिस दैट साइबर क्राइम से जो साइबर क्रूक्स होते हैं वो आके फेक आईपीएस ऑफिसर्स के अपने प्रोफाइल पिक बनाए हुए हैं और वो सब बहुत ही आउट ऑफ वे जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये साइबर क्राइम जो है एक रिसेंट फेनोमेना है। अब 2000 के बाद में सन 2019-99 तक तो मोबाइल फ़ोन का पहुंच ज़्यादा जगह नहीं था। सन 2000 के बाद में पिछले 20 सालों में जिस तरह से मोबाइल और इंटरनेट का रीच गांव-गांव तक पहुंचा है तो इससे सहूलियत भी है और इसके साथ में जो आने वाले नुकसान हैं वो भी हैं। लेकिन क्या है कि जितनी सहूलियतें हैं, सहूलियत तो सब जगह इसकी सहूलियतें हम देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो नुकसान आता है उस नुकसान को हम ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और पहले हम देखते थे कि जो अनपढ़ है और गरीब है वो चोरी डकैती और इन तरह के गलत रास्ते पर, अब तो ये साइबर की दुनिया में जो लोग हैं वो तो सब पढ़े लिखे हैं लोग हैं, सब पढ़े लिखे चोर हैं लोग तो, और पढ़े लिखे गलत काम करने वाले लोग हैं। तो ये साइबर एक ऐसी दुनिया है जो कि फिज़िकल दुनिया से अलग है, उसमें हम एक दूसरे को देख अगर डिजिटली अगर देख भी सकते हैं, एक दूसरे को पहचान नहीं सकते हैं, और इस पर जो सौदा होता है तुरंत का सौदा है एंड तुरंत का फ़ायदा है, तुरंत का घाटा है इसमें। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे लोग जो हैं फेक आइडेंटिटीज़ क्रिएट करते हैं। जो फेक आइडेंटिटी क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि मतलब गलत इरादों के साथ में किसी को मिसरिप्रेजेंट करना, मैं आपके नाम पर एक फेसबुक अकाउंट खोल सकता हूँ और आपका नाम मिसयूज़ कर सकता हूँ। सेम थिंग, यू कैन ओपन अ फेसबुक अकाउंट इन माय नेम एंड मिसयूज़ माय नेम। सो मुझे उससे सतर्क रहना है। सो इसमें दो चीज़ है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमारी लाइफ को ईजी बनाई है बट हम लोगों को अगर साइबर दुनिया के अंदर में उतना गहरे तरीके से जाना है तो हम लोग को भी बहुत केयरफुल रहना है। और क्या है कि लोग जो हैं, जिस तरह से मैं कमिश्नर था तब भी मैं बताया करता था कि इसको उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना आपकी ज़रूरत है, नहीं तो ये जो है आपको अपने लपेट में ले लेगा, उसके बाद में इट विल वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कम आउट ऑफ इट। मैं तो बहुत सारे कॉलेजेस में नौजवान बच्चियों को, छोटे बच्चों को और हाउसवाइफ्स को कहा करता था कि फालतू का फ़ोटो आप अनजाने लोगों के साथ शेयर मत कीजिए, उससे आपको क्या मिलता है, किस तरह का कोई फालतू नशा जो है आपको, अगर आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, अगर आपके दोस्त आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो काफ़ी है, अनजाने लोगों से क्या आप अप्रिसिएशन खोजते हो। ये जो है हमारे बीच में एक नशा आ गया कि कुछ भी अपना फ़ोटो डालो, बेटी का फ़ोटो डालो, वाइफ का फ़ोटो डालो, गर्लफ्रेंड का, वो कमेंट्स के लिए सब फालतू लोग। और तो कुछ लोग तो अपना फॉल्स आइडेंटिटी, लड़के लड़कियों के वेश में अकाउंट खोलते हैं, लड़कियां लड़कों के वेश में अकाउंट खोलते हैं, और ये जो है ये लाइक्स शेयर्स फॉरवर्ड, इसे क्या मिलने वाला है, ये सब जो है इट इज़ इंटरफेयरिंग विथ अवर डे टू डे लाइफ। खैर, ये तो आइडेंटिटी थेफ्ट की बात हुई, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि जो हम डिजिटल पेमेंट्स जो हम कर रहे हैं उसके बाद में और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो कर रहे हैं, सावधानी नहीं बरत रहे हैं उसमें। उसके बाद में ये टेलीकॉलिंग फैसिलिटी से जो टेलीमार्केटिंग होता है, उस टेलीमार्केटिंग के तहत क्या होता है कि सर फेक कॉल्स भी आते हैं। फेक कॉल्स, एग्जैक्टली। मैं तो एज कमिश्नर ने बोला कि आजकल क्या हो गया, आप किसी भी दुकान में जाइए, सबसे पहले उसे आपका नाम बताइए, आपका मोबाइल नंबर दीजिए। अरे भाई, आप अनजाने हो, मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज़ जो है, मोबाइल नंबर जो है आपका मेन गेट का चाबी है, आपने तो मेन गेट का चाबी थमा दिया उसके हाथ में, वो तो आप कहीं भी जा सकता है। आपके मोबाइल नंबर से आपका आता पता उसको मालूम हो सकता है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किससे मिल रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, या आपकी चाहते क्या हैं, सब कुछ तो आपने वहीं छोड़ दिया। जाते साथ में सामान खरीदने से पहले बोलते कि मोबाइल नंबर हेड़ी, आपका मोबाइल नंबर बताइए, आप मोबाइल नंबर दीजिए। उस मोबाइल नंबर का तो उनके पास में ढेर रहता है, हर एक दुकान में कम से कम, अगर सुबह से लेकर शाम तक आप कुछ खरीदें ना खरीदें, वो तो बड़े प्यार से पूछते हैं कि आपका मोबाइल नंबर दीजिए। हर लोग बड़े शौक से अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, ताकि बोलते कि हमारा ऑफ़र है, आपका ऑफ़र के समय आपको बताते हैं।
कोई तो सब सब फालतू ऑफर होता है, कोई भी चीज़ दुनिया में मुफ्त में नहीं मिलता है। और ये फ़ोन जो है मेरे इस्तेमाल के लिए, दूसरे के लिए नहीं है। अब क्या हो गया है कि मेरा इस्तेमाल कम हो गया है, दूसरों का उससे फ़ायदा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि फालतू का दुनिया भर का, और एक तो इतना अननेसेसरी व्हाट्सअप मैसेजेस, इतना फालतू मैसेज आता है, क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्या इसके बिना हम नहीं रहते क्या, इसके बिना अच्छे खासे हम रह चुके हैं। मैं तो अच्छे खासा ज़िंदगी गुजारा है पुलिस नौकरी में भी बिना मोबाइल फ़ोन का, तो दिन भर सुबह से लेकर अच्छे काम होते थे, अब तो क्या टाइम निकला बस वही हाथ में पकड़ लिए। सो माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू दैट थोड़ा फिजिकल दुनिया से जुड़ के रहिए, डिजिटल दुनिया में मत खो जाइए, और अपना परिचय, अपनी पहचान, अपने आप इसको मत बेच दीजिए। टेली कॉलिंग करके वो बोलते हैं कि आपको हम अपग्रेड कर रहे हैं, आपका नंबर ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ये नंबर बताइए। कितनी बार सारी बैंकें आपको बता चुकी हैं कि अपना पिन नंबर मत शेयर कीजिए, पढ़े लिखे लोग अपना मोबाइल नंबर और पिन नंबर दे के अपने पैसे कमा लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं पुलिस स्टेशन में, केसेस बढ़ रहे हैं। अब तो काफ़ी केसेस हल भी हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है ना कि इतनी बड़ी तादाद में केसेस जा चुके हैं कि केवल हम इम्पोर्टेंट केसेस पर ध्यान देते हैं। जी, आप इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन हैंडल कर रहे हैं, देन हाउ व्हाट मेजर्स डू यू टेक सर? सी, इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन इट्स अ वेरी मैक्रो एरिया। हम इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन में ये एक नया डिपार्टमेंट है, और ये नए ज़माने के क्राइम्स या कुछ पहले जो थे जिस पर हमारा ध्यान नहीं रहा उस पर हम ज़्यादा गौर कर रहे हैं, जैसे समुंदर से आने वाले खतरे। कर्नाटक की कोस्ट लाइन जो है 320 किलोमीटर का समुंदर है, तो उस पर गौर करना, और वहाँ कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस भी है और कोस्ट गार्ड भी है और इंडियन नेवी भी है, तो और 50,000 से ऊपर ज़्यादा मछुआरे हैं जो कि समुंदर में रोज़ जाते हैं आते हैं, उनके बीच की झगड़ा, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम ऑफ ड्राउनिंग, प्रॉब्लम ऑफ वगैरह वगैरह कुछ भी हो, या कुछ ताकतें जो मुल्क के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं उन पर ध्यान रखना, वो सब दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी। उसके बाद में एंटी नक्सल फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल करना। उसके बाद में ISD में 3 बटालियन स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो कि जितनी अहम इमारतें हैं उनकी देखभाल और उनकी सुरक्षा हम देखते हैं, जैसे विधानसभा वगैरह हो। उसके बाद में जितने एयरपोर्ट्स हैं वो एयरपोर्ट्स, बेंगलोर एयरपोर्ट छोड़ के सारे एयरपोर्ट हमारे कंट्रोल में हैं। उसके बाद में पावर स्टेशन जितने हैं, डैम्स वगैरह हैं, क्योंकि पहले केवल इंजीनियर्स इनकी देखभाल किया करते थे। ये सब क्या है, दे आर द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री। अगर इस पर कोई नुकसान हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पर नुकसान हो सकता है, तो अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इन चीज़ों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए ये फोर्स क्रिएट किया गया था, जैसे कि CISF क्रिएट किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो KSISF हैज़ बीन क्रिएटेड एट स्टेट गवर्नमेंट लेवल। उसके बाद में हमारे पास में एंटी टेरर यूनिट है, अगर इस तरह से कोई टेररिज्म के नाम पर कोई, अगर जैसे जो मुंबई में हुआ या जिस तरह से कोई अगर बॉम्ब प्लांट किया हुआ है, तो उन लोगों के ऊपर में कंट्रोल करने के लिए, सो वी हैव द एंटी टेरर काउंटर टेरर फोर्स हमारे पास में, जो कि दे आर वेरी वेरी हाईली ट्रेंड, हर रोज़ उनकी ट्रेनिंग होती है। वो एक दिन जिस दिन टेररिस्ट आएगा उसके लिए हम ट्रेन किए जाते हैं, और दे आर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट अलर्ट कंडीशन उस तरह से। उसके बाद में बाकी लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर मेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्ट ऑन दैट इंफॉर्मेशन, ताकि पुलिस जो है, आप वर्दीधारी पुलिस जो पुलिस स्टेशन में देखते हैं वो तो केवल सामने है, वो तो केवल शोरूम है, बाकी काम तो पीछे होता है। सो दैट इज काइंड ऑफ वर्क विच वी डू। तो मैं हूँ जुल्फी सुल्ताना, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, आपकी आवाज़।